बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां हत्या के बाद आरा मशीन से शव के 10 टुकड़े कर दिए गए। जहां बोरे में बंद शव मिलने से हड़कंप मचा है। गाड़रबाड़ा निवासी अनुपम शर्मा के रूप में शिनाख्त की गई है। 16 फरवरी से अनुपम शर्मा लापता था। टोनी वर्मा नाम के युवक पर हत्या का आरोप लग रहा है। हत्या के बाद से आरोपी टोनी वर्मा ने भी आत्महत्या कर ली है। तो आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव के 10 में से 8 टुकड़ों को बरामद कर लिया है। धनवंतरी नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो बोरे में बंद मिले शव को मिलने के बाद से हड़कंप मच गया, जहां 16 फरवरी से अनुपम शर्मा लापता बताया जा रहा था और टोनी वर्मा नाम के युवक पर हत्या का आरोप था। हत्या के बाद आरोपी टोनी वर्मा ने भी आत्महत्या कर ली, जहां पुलिस को शव के 10 में से 8 टुकड़े मिल गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वेंकटेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेंकटेश, जिस तरह से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, उसके बाद से अब पुलिस प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? दिनेश, वाकई में काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात जबलपुर में सामने आई है। धनवंतरी नगर इलाके का ये मामला है। धनवंतरी नगर से लगे हुए 90 क्वार्टर इलाके में पुलिस जब सर्चिंग कर रही थी तो बोरे में एक लाश मिली, और सर्चिंग यूं ही नहीं कर रही थी। दरअसल ये पूरा मामला अनुपम शर्मा नाम के एक शख्स की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। गाडरवारा का यह रहने वाला था और जबलपुर के धनवंतरी नगर के ही जसूजा सिटी में ड्यूप्लेक्स में रहता था। इस बीच उसकी दोस्ती टोनी वर्मा नाम के एक शख्स से हुई। पुरानी मुलाकात, जान पहचान दोस्ती में बदली और टोनी वर्मा टाल का व्यवसाय करता था, तो लिहाजा उसने अपना काम का अकाउंट्स और लेखा से संबंधित सभी काम अनुपम शर्मा को सौंप दिए थे। इस बीच आपसी मनमुटाव और विवाद इस कदर बढ़ा कि टोनी वर्मा ने अनुपम शर्मा की हत्या ही कर दी, ना कि हत्या कर दी, और हत्या के साथ साथ दिल दहला देने वाली वारदात को भी अंजाम दिया। लाश को आरा मशीन से काट कर 10 टुकड़े किए और उसे बोरे में भरकर धनवंतरी नगर के 90 क्वार्टर के एक नाले में फेंकवा दिया। इस बीच एक संदेही चूंकि पुलिस ने हिरासत में लिया है, चूंकि परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी 16 फरवरी को, और 16 फरवरी को गुमशुदा हुआ था और 26 फरवरी को धनवंतरी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। लिहाजा परिवार वालों के दबाव के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो इस बात का खुलासा हुआ कि बोरे में जो लाश मिली है वो अनुपम शर्मा की ही है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक संदेही हिरासत में है पुलिस के, और आला अधिकारी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। काफी सनसनीखेज मामला है ये, क्योंकि जिस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है उसने दिल दहला देने वाली वारदात है और हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं इस वारदात ने। लिहाजा पुलिस अधिकारी बच रहे हैं इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी जाँच होने के बाद ही, जब हकीकत और जो भी राज होंगे इसके सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किए जाएंगे। लिहाजा पुलिस की पूरी टीमें लगी हुई है, क्योंकि अभी जो बोरे में लाश मिली, लाश के टुकड़े मिले हैं, वो 10 में से 8 ही मिल पाए हैं। बाकी 2 टुकड़े कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उसकी सर्चिंग के लिए लगातार कई टीमें काम कर रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। चूंकि आरा मशीन से काट कर 10 टुकड़े करने का ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात जो सामने आई है, बिल्कुल वाकई ये बड़ा भयानक ये मामला है और डरावना भी ये मामला है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है। हत्या के बाद आरा मशीन से एक शव के 10 टुकड़े कर दिए गए थे। बोरे में बंद करके शव को फेंक दिया गया था। शव मिलने के बाद से अब पूरे इलाके में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस ने 10 में से 8 शव के टुकड़ों को बरामद कर लिया है। पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है।